मुझे के समय भारत माता साथ में छुटके चुनगा में घोट मिल के बीच हमेशा चांद सदी खत्म होगा। और अब मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली बार लिखे तो मैं चाहता हूँ आप लोग दोहों को सही करिएगा। मैं मनोहर बाल कभी रहता हूँ सदा बहार, मुँह पर सदा माँ शारदा करती कृपा बारंबार, करती है माँ शारदा मुझ पर करुणा प्रसाद, कट जाते स्वभाव बंद आता ना औसाद। अच्छा। माँ की कृपा से जब होवे दोहों की बौछार, थक जाए लिखते लिखते लेखनी हो जावे बेकार बेजार बेजार। माँ शारदा की कृपा से मैं पाया ये सार, जैसा मन वैसा रूप तेरा, दर्पण सा ये संसार। दोहों को स्वीकार ये या दीजिए बिसराए, जो मन पड़े माँ कृपा से मैंने दिए बनाए। अब तो मुझे सुना चाहूँगा, दिल से एक बार नफरत की दीवार गिरा के तो देखिए, भूल के मतभेद दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा के तो देखिए, कितना सुकून मिलता है दिल को उनको मालूम नहीं, दोस्ती की रस्म के लिए एक कदम बढ़ा के तो देखिए। गहराई मेरी भावनाओं की नाप सकता नहीं कोई, उड़ान मेरे विचारों की भाग सकता नहीं कोई, व्यथाएं बहुत समेटे हूँ इस नन्हे से दिल में, पीर मेरे जिगर की माप सकता नहीं। अब एक बैंड भी सुनाना चाहूँगा। शाम को नेता जी ढाबे पर चाय पी रहे थे, तभी कुत्ता उन पर भौंकने लगा, नेता जी दर्द मार फूट पड़े। हम पूछे और नेता जी कुत्ते डरा चुका, नेता जी जैसे कुछ बोलते शर्मा जी बोल पड़े, अरे नेता जी कुत्ते से नहीं, नेता जी गुस्से झिमने डरा, नेता जी की ऐसी कोई बात नहीं यही मारेंगे चुप पे रहो, हम कुर्सी झिमने से डराते। तो हम बोले नेता जी एक बात बताइए, आप हमेशा बोलते हैं कि कमल खिलाएंगे हम कमल खिलाएंगे, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कमल तो कीचड़ खिलता है, मतलब कि पहले आप कीचड़ फैलाएंगे फिर कमल खिलाएंगे। तो नेता जी उसके बोले ऐसा है यही मारेंगे, बता दे रहे समाज पहले से इतना कीचड़ फैला है, हम भी थोड़ा कीचड़ फैलाएंगे फिर उसमें कमल और खिला देंगे। और सुन लो अगर अब की बार कमल के चिन्ह को न दबाए तो फेंक देंगे नाली में।